हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपाली और आप सबको वेलकम है मेरी ब्लॉगिंग चैनल में, जिसका नाम है दीपाली शानसा इनटू सनसेट। आज है रक्षाबंधन, मेरी ओर से और मेरी फैमिली के ओर से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत सारा मज़े कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ। इस बार ना राखी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन था, किसी ने वेनेसडे को किया था, किसी ने थर्सडे को। मैं स्पेशली वेनेसडे को ही की थी, क्योंकि वेनेसडे अव्यू का स्कूल भी हॉलीडे था, तो इसीलिए मैंने सारा कुछ वेनेसडे को ही प्लान की थी। यहाँ पे सबसे पहले ना रक्षाबंधन के दिन मैं मेरी किशन जी को राखी बांधने के लिए आ गई थी। अभी इवनिंग का ही टाइम हो रहा था, तो इस टाइम ना मैं भगवान को भोग भी लगाने वाली हूँ। तो राखी तो मैंने बांध दी थी और साथ ही में यहाँ पे भोग के लिए मैंने बनाया था इस बार पूरी और इसके साथ साथ सूजी का भी हलवा। साथ ही में मैं देखिए यहाँ पे किशन जी के बाद हमारा जो गुरु है उनका भी आज जन्म तिथि है, तो इसलिए उनको भी हम लोग पूजा करेंगे आज। और साथ ही में मैं उनको भी आज राखी दी हूँ, उनके लिए तो बांध नहीं सकती क्योंकि ये मूर्ति नहीं है, ये यहाँ पे ही मैं पैर के पास रख देती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी भोग भी लगा दी थी और पूजा मेरा बिल्कुल खत्म भी हो गया था। इसके साथ साथ बहुत सारा काम भी है और घर में पार्टी भी है। वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घर में पार्टी है तो पार्टी का खाना ना मैं घर में ही बनाई थी और थोड़ा बहुत खाना मैं सुबह ही बना के रखी थी। अभी शाम के टाइम में थोड़ा सा मुझे पनीर का सब्जी बनाना है। अव्यू के जितने भी सिस्टर है और जो भी फ्रेंड्स है वो सारे लोग आने वाले हैं जल्दी ही, तो वो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे पनीर को जल्दी जल्दी कट कर रही थी, बच्चों को पनीर बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैंने इस बार खासी पनीर की सब्जी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए वो बनाई थी। सब कुछ हो गया था, ये देखिए मसाला भी ऑलमोस्ट डन हो गया था मसाला। इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और पनीर को डाल के थोड़ा सा बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके साथ साथ जो भी ऊपर का मसाला रहता है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अभी लास्ट फिनिशिंग टच जो कि एकदम फ्रेश क्रीम के अलावा होता ही नहीं है, वो मैंने भी डाल दिया था। और देखिए पार्टी का खाना भी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आ गया है व्हाइट पास्ता, व्हाइट पास्ता मेरी नेवर ने बनाई थी। इसके साथ साथ पनीर का सब्जी है और है यहाँ पे पूरी। पूरी अभी तक नहीं तली हूँ, पूरी गर्मा गर्म मैं तलूंगी और परोसूंगी। इसके साथ साथ है वेज बिरयानी, इसको मैं सुबह ही बना के रखी थी। और पार्टी है या फिर मतलब कुछ भी हो, स्वीट के अलावा तो होता ही नहीं है, स्पेशली जब रक्षाबंधन है। और है बच्चों के लिए जूस, तो इसके साथ साथ ही पार्टी जल्दी स्टार्ट होने वाले है। और ये देखिए पार्टी का ड्रेस, इस बार रक्षाबंधन के लिए मैं स्पेशली ये ड्रेस ली थी, यहाँ पे मैं ट्रेन से ली हूँ। और साथ ही में ये वाला देखिए यहाँ पे इयर रिंग्स, ये भी मैं ट्रेन से ही ली थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये इयर रिंग। तो चलिए मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए और मेरी फाइनल जो लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर करती है। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ एकदम। तो कुर्ती तो बहुत ही बढ़िया है, हाँ थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही लेती हूँ, ज़्यादा टाइट फिटिंग्स पर पहनना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ थोड़ा सा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैं एकदम पार्टी के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी इयररिंग काफ़ी खूबसूरत है और देखिए बच्चे पार्टी भी आ गए हैं। तो फाइनली बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे राखी का मेन जो रिचुअल्स है वो। सारे बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के लूडो एंड स्नेक खेल रहे थे और यहाँ पे देखिए मम्मी यहाँ पे पूरियाँ तल रही थी ये, और साथ ही में सारे लोग भी आ गए हैं। ये है अव्यू के दीदी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिचुअल्स।
नाव अवियान का भी टाइम आ गया था, मगर अवियान ना बहुत रो रहा था, उसको नहीं करना था, तो वो बहुत ही क्रैंकी हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाला था कि वो देखने लायक है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा ओरिजिनल जो वीडियो का वॉइस है उसको ऑन करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अवियान ने क्या क्या किया था और हम लोगों ने कैसे अवियान का राखी बनवाया था। तो चलिए आप लोग सुन लीजिए वो कैसा किया था और क्या क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो ओरिजिनल वॉइस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उसको एक्चुअली हैप्पी बर्थडे बोलने से ही वो राखी बांध रहा था, तो वही करते करते हम लोगों ने ये राखी बनवाया उससे, मगर वो एक दो ही किया, उसके बाद वो नहीं किया, वो बहुत ही रो रहा था। ठीक है, तो नहीं हुआ, ठीक है चलो इस बार के लिए, तो नेक्स्ट टाइम वो शायद कर लेगा, बड़ा हो जाएगा तो। तो फाइनली सारा जो रिचुअल्स है ऑलमोस्ट हो गया था। यहाँ पे उसके दीदी ने भी उसको राखी पहना दिया था। अब भी ना अपनू के दीदी के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो देखो कितना मस्ती उन लोगों के बीच में चल रहा है। और उसके साथ साथ ना ये लोग फोटो भी ले रहे थे, वो जो होता है ना कार्टून वाला फेस बनाना, तो वही इन लोगों के बीच में भी चल रहा था। तो बहुत एंजॉय किए थे सारे लोगों ने। तो मम्मी भी अभी अभियुग को राखी पहनाएंगे, क्योंकि एक्चुअली अभियान का जो राखी है तो अभियान तो ऑब्वियसली नहीं पहना पाएगा, तो वही वाला राखी मम्मी भी अव्यू को पहना देंगे और साथ साथ मम्मी खुद भी राखी पहनाते हैं अव्यू को, वो भी करेंगे। तो इस बार अव्यू का बहुत सारा राखी हो गया था, मैं उसको पूछ ही रही थी कि कितना सारा राखी तुमने बांधे हो, तो उसने बताया कि उसका 6 राखी हो गया है इस बार, तो बहुत सारा हो गया था।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही तक था, यही था हम लोगों का रक्षाबंधन। आप भी कमेंट करके जरूर बताना आपका रक्षाबंधन कैसा था। तो आज के लिए बस यही तक, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।